अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में दो दिवसीय टेक एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के अवसर पर यानी अभियंता दिवस के मौके पर झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार अलकबीर पॉलिटेक्निक कपाली में दिनांक 15 एवं 16 सितंबर को दो दिवसीय अलकबीर पॉलिटेक्निक टेक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों में इनोवेशन को प्रोत्साहित करना था, ताकि विज्ञान के नवीन सिद्धांतों एवं इंजीनियरिंग से संबंधित खोज को बढ़ावा मिल सके। इस कार्यक्रम के तहत संस्थान के आसपास के 12 विद्यालयों से विद्यार्थियों को प्रदर्शनी भ्रमण के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें अलमनार स्कॉलर पब्लिक स्कूल, कबीरिया उर्दू मिडिल स्कूल, कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल, केरला पब्लिक स्कूल, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, एमओ एकेडमी सहित अन्य विद्यालयों के लगभग 500 विद्यार्थी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रति जागरूकता पैदा करना था, जिससे वे तेजी से बढ़ते और बदलते तकनीक के दौर में अपने लिए उचित कार्य क्षेत्र का चुनाव कर सके। प्रोग्राम ऐसा है कि आप जानते हैं कि 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, तो इंजीनियर्स डे से बच्चों को अवगत कराना कि एम विश्वेश्वरैया कौन थे और उनका योगदान क्या रहा है, तो उनको याद करते हुए बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करना और उनके अंदर इस जज्बे को उभारना, एक ये मकसद है। और दूसरा मकसद ये है कि आप जानते हैं इंस्टीट्यूट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चों को एक समझ आना कि अक्सर बच्चे गुजर जाते हैं, इनको पता नहीं रहता है कि इस गेट के अंदर क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट में क्या है। तो जब वो आते हैं, वो टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, उनको समझ में आता है कि ये इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है और हम यहाँ से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, चूँकि द गेट्स आर ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इनसाइड। तो अगर वो बच्चे भी यहाँ के लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाना चाहें या वो टीचर से इंटरेक्ट करना चाहें, इसी को प्रमोट किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में कौन कौन से बच्चे आए और कहाँ कहाँ से आए हैं? एग्जीबिशन में तो हम चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना, लेकिन फ़िलहाल इस बार पहली बार है, तो जो इर्द गिर्द के स्कूल के बच्चे हैं वही लोग आ रहे हैं, जैसे KPS मांगो है, गोविंद विद्यालय है, कबीरिया स्कूल है, एडम्स होम है, पब्लिक वेलफेयर स्कूल है, ये सर बहुत सारे स्कूल है, इसी तरह से उनके बच्चे यहाँ आ रहे हैं। ये प्रोग्राम कल भी था और आज भी रहेगा। इस इंजीनियर्स डे के मौके पर जो एग्ज़िबिशन लगा, तो स्कूल लेवल के बच्चे जो इस बार आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें इस तरह का एग्जीबिशन देखने का मौका पहली बार मिला था और उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और इससे वो अपने माइंड मेकअप करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। बहुत सारे बच्चे नाम अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज का सुनते थे, लेकिन अंदर से देखने का मौका नहीं मिला कि कितना बड़ा कॉलेज है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है। तो ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगा और आगे वो अपना एम बना रहे हैं कि 10th करने के बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन करेंगे और अपने फ्यूचर को बनाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम समी अहमद खान है, एमओ एकेडमी। कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जीबिशन लगाया गया है, प्रोजेक्टर वगैरह बच्चों को दिखाने के लिए पॉलिटेक्निक के बच्चों ने अरेंज किया है, तो इस सिलसिले में हम अपने स्कूल के बच्चों को लेकर के आए हैं और बच्चे भी बहुत खुश हुए यहाँ के माहौल को देख करके, और इस एग्जीबिशन से बच्चे अवगत हुए और सर का बहुत बड़ा ये रहा जो उन्होंने हम लोगों को इसके लिए इनवाइट किया हमारे स्कूल को। अपना परिचय जी, हम पब्लिक वेलफेयर उर्दू हाई स्कूल के साइंस के टीचर हैं, मेरा नाम सबा वारसी है। स्कूल के बच्चे आए हुए हैं कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल जाकिर नगर मानगो जमशेदपुर। बॉयज़ में पार्टिसिपेशन कल हुआ है 54 स्टूडेंट्स, और आज गर्ल्स का जो स्लॉट है उसमें 74 गर्ल्स हमारी आज विजिट कर रही है, और ये बहुत ही आगे के इंजीनियरिंग कॉलेज में या डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बच्चों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए बहुत ही बेहतर कदम है, और हम शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद हैं कबीर अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, उन्होंने हमको मौका दिया। रिजवान अहमद, हेडमास्टर कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल।